नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्रीम इलेवन में ग्रैंडलिंग और स्मॉलिंग आप कैसे जीत सकते हैं। तो मैं T20, ODI और T10 तीनों फॉर्मेट्स की बातें करने वाला हूँ, किस तरह से आपको टीम बनानी है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और साथ साथ में लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रैंडलिंग जीतने के तरीके। ग्रैंडलिंग आप ऐसे नहीं जीत सकते, आप अपने स्किल के दम पे नहीं जीत सकते। ग्रैंडलिंग जीतने के लिए आपका लक भी साथ होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आपकी स्किल काम करेगी, आपकी स्किल कम से कम 20% काम करेगी, बट आपका 80% लक होना चाहिए। बट गाइस, लक तब भी लगेगी जब आपका स्किल काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी अच्छे से आप टीम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं ग्रैंडलिंग की बात कर लेता हूँ कि टीम कैसे बनानी है। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रैंडलिंग में बहुत सारे अबाउट, बहुत सारे मतलब लगभग आपको बता दूं कि 15 लाख पीस का कंटेस्ट ज्वाइन होते हैं, 15-20 लाख उसमें कंटेस्टर होते हैं, मेंबर्स उसमें ज्वाइन करते हैं। तो 15-20 लाख में H1 आना, H2 आना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए आपको लक की ज़रूरत पड़ेगी। अब लक लग जाएगी ऐसा थोड़ी होता है, उसमें कुछ स्किल्स होगी। अब भैया, जो प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करे ही नहीं और उसको मैं कैप्टन वाइस बना दूँ तो ऐसा थोड़ी होता है, तो उसका लक चल जाएगा। बट आपको कुछ स्किल्स भी आनी चाहिए। तो अब स्किल्स आएगी कैसे, उसकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप ग्रैंडलिंग ट्राई करेंगे तो उसमें करेंगे क्या कि आपको सारे प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करनी होगी। पिच कंडीशन क्या है, पिच कैसे खेलेगी, कौन प्लेयर इन फॉर्म में है, सारे प्लेयर्स की जो इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी होगी। कौन प्लेयर कैसा खेल रहा है, क्या खेल रहा है, नहीं खेला, पिछले कुछ मैचों की परफॉर्मेंस क्या है, अगले कुछ परफॉर्मेंस कैसे है। तो ग्रैंडलिंग में सबसे पहले मैं बात करूँ कि ग्रैंडलिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बेटर बैट्समैन को रखने होंगे ताकि आप अच्छे जीत सकते हैं। ग्रैंडलिंग में आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि सपोज कीजिए आप 4-5 प्लेयर ऐसे रिस्की प्लेयर रख लेंगे तो उसमें ऐसा नहीं कि एक अगर चल गया तो 3 फ्लॉप हो जाता है। तो ड्रीम इलेवन में 3 अगर आपका फ्लॉप हो गया तो आप ग्रैंडलिंग नहीं जीत पाओगे। चलिए अब इसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। ग्रैंडलिंग में आपको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सबसे बेटर चूज करनी होती है। तो मैं आपको सबसे सजेस्टेड बता रहा हूँ, सबसे ग्रैंडलिंग में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आपका कंपलसरी कम से कम अच्छा रन या स्कोर करना पड़ता ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किस टाइप के कैप्टन वाइस चूज करेंगे ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। तो सबसे पहले ग्रैंडलिंग की अगर बात कर लेते हैं कि ग्रैंडलिंग का फॉर्मेट अगर T20 फॉर्मेट है तो आपको अच्छे बैट्समैन और ऑलराउंडर को चूज करना होगा। आप अच्छे बैट्समैन को चूज कर सकते हैं, जैसे कि विराट कोहली हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, केएल राहुल हो गए, ये सब ऐसे बैट्समैन हैं जो आपको कुछ ना कुछ रन हर मैच में बनाकर ही देंगे और आगे अगर चल गए तो बेटर रन देंगे। अब हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए। ऑलराउंडर में आपको वैसे प्लेयर को चूज करनी है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे, 4 ओवर का बॉल स्पिनिंग करता हो, 4 ओवर हर मैच में बॉल फेंकता और प्लस बैटिंग भी उसकी आती हो। जैसे कि आप सपोज कर लीजिए कि हार्दिक पांड्या, आंद्रे रसल, ये सब ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिनको 4 ओवर तो बॉलिंग करनी पड़ती है और साथ में उनकी बैटिंग भी आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको बॉलर्स कैसे ट्राई करनी है। तो ग्रैंडलिंग में आपको बॉलर्स ट्राई करनी है जो कि बेटर बॉलर्स हो, जो कि अपने पूरे ओवर की स्पेस फेंकते हैं। ग्रैंडलिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसे प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं जो कि रिस्की प्लेयर हो, जिसको बहुत सारे कम ऐसे जो सिलेक्टेंट्स होंगे, जो कि बहुत सारे मेम्बर्स उसको कम ही दिए होंगे, उसको आप ट्राई कर सकते हैं ग्रैंडलिंग में। अब हम बात कर लेते हैं ग्रैंडलिंग ODI की। तो ODI में ऐसा बहुत बार आप देखे होंगे कि ODI में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होता है ओपनर बल्लेबाज का, या फिर वन डाउन बल्लेबाज का, या फिर ऑलराउंडर का। तो ODI में आपको वैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन को चूज करनी है जो कि बेटर रिजल्ट दे सके, जैसे कि ऑलराउंडर। तो आप हमेशा ये ट्राई करें कि ODI में ऑलराउंडर को कैप्टन ही ज़्यादा बनाए। और आपको बता दूं कि ग्रैंडलिंग जीतने का तरीका ऐसे आप नहीं जीत सकते हो, उसके लिए आपको स्किल्स और लक होगी, आपको पिच कंडीशन पता करनी होगी, आपको हर चीज़ उसके बारे में पता करनी होती है ताकि बेटर रिजल्ट मिल सके, आपको अच्छे स्किल्स के साथ अच्छी टीम क्रिएट कर सके। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल लीग जीतने के लिए। तो स्मॉल लीग जीतने के लिए आपकी लक की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हाँ, बहुत थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आपके स्किल्स 80% काम करती है और वही लक 20% काम करती है। अब ऐसा क्यों, तो देखिए ग्रैंड लीग में होता है कि बहुत सारे टीम्स होते हैं, लगभग 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख टीम्स ज्वाइन करते हैं। बट स्मॉल लीग में आपको छोटे फॉर्मेट जैसे 500, 600, 700, 800, 900, 1000 इतने जो प्लेयर्स होते हैं ज्वाइन करते हैं। तो स्मॉल लीग जीतने का आसान सा तरीका है कि आपके कैप्टन और वाइस कैप्टनसी बेटर चूज करनी चाहिए। अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी आपको चूज कैसे करनी, चलिए मैं आपको फॉर्मेट बाई फॉर्मेट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। तो T20 में आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ऑलराउंडर को चूज करनी है, या फिर ओपनर को चूज करनी है, या फिर विकेट कीपर की। अब आप बोलेंगे विकेट कीपर और ऑलराउंडर को क्यों चूज करनी है। तो विकेट कीपर अगर सपोज कीजिए आपका 10 रन स्कोर कर दिया, 1-2 स्टंपिंग कर दिया, 1-2 रन आउट कर दिया, 1-2 कैच पकड़ दिया, उसकी भी पॉइंट्स ज़्यादा मिलती है।
और ऑलराउंडर की आप बात करेंगे तो ऑलराउंडर बॉलिंग भी करते हैं। हाँ, ऑलराउंडर आपको वैसे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी चूज करनी है जो चार ओवर के स्पेल्स भी करते हो और उनको बैटिंग अच्छी खासी करने आती है और बैटिंग वो कर भी ले, हर मैच में उनकी बैटिंग आ भी जाती है, जैसे कि हार्दिक पांड्या और रसल कोई ले लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों T10 फॉर्मेट की। तो T10 फॉर्मेट में आपको 1, 2, 3 बैट्समैन ही लेनी है और 1, 2, 3 बॉलर ही लेनी है। अब बात करते हैं कि किसको ज़्यादा लेनी है, तो ऑलराउंडर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें क्योंकि T10 में ऑलराउंडर बैटिंग के लिए पहले भी आ जाते हैं और ऑलराउंडर जो भी रहेंगे उनको बैटिंग की भी मौका मिलती है और बात रहेगी बैटिंग की भी मौका मिल जाएगी और वो बॉलिंग भी करेंगे और आपको विकेट कीपर ज़्यादा ट्राई करनी है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ODI में कैसे जीत सकते हैं। तो ODI में आपको ज़्यादा बॉलर्स ट्राई करनी होगी और ऑलराउंडर्स के साथ आप ज़्यादा जाएंगे क्योंकि बॉलर्स को 10-10 ओवर के स्पेल्स फेंकनी होती है। ऑलराउंडर की आपको 50 ओवर का स्पेल होता है तो विकेट तो जाएंगे ही, ऑलराउंडर की भी बैटिंग आ जाती है और 10-10 ओवर के स्पेल्स रहती है तो हर बॉलर्स को 1 या 2 विकेट मिल जाता है जिससे आप अच्छी खासी पॉइंट्स को भी गेन कर सकते हैं। दोस्तों अब एक ही मेरी कुछ इंपॉर्टेंस नोटिफिकेशन आपके लिए जो मैंने अपने खुद के स्किल्स के आपको बताया हूँ, मैं खुद का स्किल्स आपके साथ शेयर किया हूँ। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे लेटेस्ट